मैम, ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल टेबल किया गया है इस बार, किस प्रकार से देखते हैं आप इसे? हमारा जो महिला आरक्षण बिल जो इस बार पहले कैबिनेट की अप्रूवल उसे मिली है, हमारे मोदी कैबिनेट की, और उसके तुरंत बाद उसको, अगर आज देख रहे होंगे कि आप लाइव उसके ऊपर डिस्कशन जो है वो पार्लियामेंट में हो रही है, इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या इसके ऊपर प्रतिक्रिया सब पार्लियामेंटेरियन की रहती है। ये नेसेसिटी ऑफ द आवर थी। आपने देखा होगा कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने 3 टायर सिस्टम को जम्मू में सेटअप किया, और जम्मू को ना केवल सेटअप किया, उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण दिया भी, और महिलाओं ने उसको प्रूव भी किया। जिस जिस क्षेत्र में वो कार्यरत रही, उन्होंने पूरा प्रयास किया कि वो अपने उस कार्य को डेवलपमेंट में कन्वर्ट करके उसको प्रूव करें। आपके इस मध्य में रहा कि कैसी परफॉर्मेंस कॉरपोरेशंस में रही, हमारे पंच सरपंचिस की रह रही है, हमारे डीडीसी बीडीसी मेंबर्स की रह रही है। महिला आरक्षण बिल हमारा असेंबली और पार्लियामेंट के लिए जो है, इट्स ए वेरी वेलकम स्टेप। जी, तो क्या लगता है आपको कि डेमोक्रेसी भी इससे ग्रास रूट लेवल पर रिस्टोर होगी, और कहीं ना कहीं जो इमेज है इंडिया की एक जेंडर पैरिटी की, इक्वेलिटी की, वो भी बिल्डअप होगी इससे? अब ऑब्वियसली जब महिला को एक दर्जा दिया गया है मल्टी लेवल पर्सनैलिटी का, अगर वो अपने परिवार को संभालती है, समाज को संभालती है, और अपना 100% अपने पॉलिटिक्स में देने का प्रयासरत रहती है, अगर डिसीजन मेकिंग में महिलाएं आती हैं, कल अगर हमारी असेंबली में इसको 33% रिजर्वेशन कंप्लीट हो जाता है, हमारा पार्लियामेंट में आप देख रहे होंगे कि निर्मला सीतारमण जी हमारी एक एग्जाम्पल हैं, कि आज हम आर्थिक पोजीशन में कहीं अगर 5वें नंबर पे अगर वर्ल्ड में कहीं स्टैंड कर रहे हैं, तो एक महिला का ही प्रयास, मिला जुला प्रयास है, जिसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। अगर कहीं भी हमारे डिसीजन मेकिंग में महिलाओं को आरक्षण हमें मिलता है, महिलाएं खुल कर हमारे 33% में रिप्रेजेंट करते हुए अपनी रिप्रेजेंटेशन अगर असेंबली में भी देती हैं और पार्लियामेंट भी देती हैं, तो आप देखेंगे कि इसका नक्शा ही अलग होगा। देखिए, काफ़ी समय से ये इंतज़ार था, और अब खुशी भी है कि अब इसे लाया गया है और इस विधेयक को पेश भी किया गया है, और उम्मीद है कि इस बार कोई अड़चन नहीं आएगी जो पिछले साल जैसे पिछली बार हुआ था, और इस बार ये सर्वसम्मति से जो है वो पास होगा। और अगर बात करेंगे इस बिल की, आरक्षण बिल की, तो इससे सबसे ज़्यादा तो पहले जो महिला सशक्तिकरण के जो कदम आगे बढ़ रहे हैं उसमें एक और ये इजाफा भी होगा, और बहुत फ़ायदा होगा खासकर उन महिलाओं के लिए जो राजनीति में आना चाहती हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो रुक जाती थी क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स होती है और जो मेल डोमिनेशन होती है उसको लेकर भी। और लेकिन अगर ये बिल अब आएगा तो उन महिलाओं को भी फ़र्क पड़ेगा, उनको भी बेहतर मौका मिलेगा राजनीति में, खासकर नई पीढ़ी के लिए। हालांकि इसमें अभी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाधाएँ ज़रूर हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि 15 साल के लिए ही फ़िलहाल होगा, और साथ में कुछ और भी अड़चने इसमें बताई जा रही हैं, लेकिन उम्मीद है कि सारी अड़चने जो हैं वो दूर होंगी, और इस बार जो एक सपना है कि जो महिला आरक्षण बिल होगा वो सभी पार्टियां जो हैं, वो दल जो पार्टी जो दल पॉलिटिक्स होती है उसके ऊपर उठकर जो है इसे सर्वसम्मति से पास जो है वो ज़रूर करेंगी, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है महिलाओं की उसको फ़ायदा होगा, और जो अब राजनीति में आना चाहती हैं उन्हें भी फ़ायदा होगा। आपको लगता है इससे जो डोमेस्टिक वुमेंस है उन तक भी फ़ायदा पहुँचेगा? जो तो राजनीति में है वो तो ठीक है, लाभान्वित होंगी, लेकिन क्या जो डोमेस्टिक है उन तक भी फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब इस तरीके की कुछ सशक्तिकरण की जो इस तरीके के बिल आते हैं, उन्हें जो हाउसवाइफ्स हैं या जो पॉलिटिक्स में नहीं भी होती उनका भी सशक्तिकरण कहीं ना कहीं होता है, उनको फ़ायदा होता है, उन्हें अपने हकों के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में जानकारी जो है वो मिलती है, और उन्हें भी पता चलता है कि हम घर से उठकर घर के अलावा भी बहुत सारे काम जो हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, और बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर वो काम नहीं कर सकती, लेकिन राजनीति एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पोर्टफोलियो कहेंगे या आपके बायोडाटा वहाँ पर इतना ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, तो ऐसी जगहों पर भी फ़ायदा होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको MLA या MP ही बनना है, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं पॉलिटिक्स में करने के लिए, आप उसमें भी इसका फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। ओवरऑल आपको लगता है कि एक अच्छी पहल है? बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल है, और उम्मीद है कि इस बार ये सपना जो है वो ज़रूर पूरा होगा। ये जो महिला आरक्षण बिल आ रहा है, और महिला होने के नाते तो हमें बहुत खुश होना चाहिए,
औरतें हर फील्ड में हैं, इस फील्ड में हम थोड़ी कम थी, अब हमें आरक्षण मिल रहा है, हम और खुशी से आगे आएंगी। और मुझे लगता है महिला में बहुत अच्छी काबिलियत होती है, वो अगर घर को चला सकती है देश को भी चला सकती है। इसकी फाइन एग्जांपल हमारे पास इंदिरा गांधी जी थी, रानी झांसी हैं, सुषमा स्वराज हैं, बहुत से महिलाएं हैं जिन्होंने बड़ी बहादुरी से देश का को आगे बढ़ाया है और सफल रही हैं। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द वुमेन ऑफ द कंट्री एंड आई होप वी विल बी देयर एंड इट विल बी डन, डेफिनेटली होप फॉर द बेस्ट। डेमोक्रेसी भी कहीं ना कहीं और स्ट्रेंथन होगी, मजबूत होगी। नेचुरली नेचुरली औरतों में डिसीजन लेने की ज़्यादा ताकत होती है, और वो जो हम कह तो लेते हैं हम फेमिनिस्ट हैं, तो मर्दों को भी हमें सामने आएंगे ना कि वो फेमिनिस्ट हैं कि नहीं है। वो अपने साथ महिलाओं को बिठा के अच्छा महसूस करते हैं या डरते हैं महिलाओं से कि उनके साथ वो उनकी इंटेलिजेंस के साथ मर्द कोप अप कर पाएंगे कि नहीं, तो इट इज़ अ गुड स्टेप, वेरी गुड स्टेप। जैसे मैडम ने भी कहा कि मैं एक टीचर हूँ, तो मैं तो यही कहूँगी कि 33% तो क्या, मैं कहती 50% होना चाहिए हमारा वुमेन का, जितना भी है ये बिल जो पास हो रहा है। तो जहाँ एक जो टीचर है, हम इतने अच्छे तरीके से स्कूल में पढ़ाते हैं, हमें लगता है कि हम एक औरत हैं, तो ये मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो मोदी जी कर रहे हैं तो होना भी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि स्त्री सबसे आगे आएगी, याद रखना ये बात। हमारी किरण बेदी जी थी, वो क्या काम थी किसी से, क्या हैं बताइए आप, इंदिरा गांधी का काम थी किसी से? मुझे लगता है ये इनका अगर इतिहास देखा जाए ना, तो ये कई जेंट्स से ये आगे हमारी लेडीज़। आजकल हमारी पत्रकार कितनी हमारी हैं लेडीज़ हैं, आप किस कोई भी क्षेत्र देखिए, क्या हमारी जो पूर्णिमा जी हैं क्या काम है किसी से? इसलिए मैं कहती हूँ कि हर फील्ड में औरत को ये दिया जाए कि दर्जा भी दिया जाए आगे बढ़ने का, और उसको मतलब उसको सेफ्टी भी हो उसकी हर जगह। तो इसलिए मैं यही चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ, तो मेरी बहनें भी बड़ी खुश होंगी। 33 क्या 50% होनी चाहिए। पूजा कपूर, प्रेसिडेंट रेजिडेंसी रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन। आज मैं अपनी सब बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ, जो 33% रिजर्वेशन हमारी लोकसभा और राज्यसभा के लिए रिजर्व हुई है। दिस इज अनदर माइलस्टोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एंड वी मस्ट सेलिब्रेट इट। ये बहुत देर से ड्यू था, बिकॉज मेल शोविनिज्म बहुत ज़्यादा थी, स्पेशली इन पॉलिटिक्स। बहुत लेडीज जो थी वो हेजिटेट करती थी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने में, लेकिन जब 33% रिजर्वेशन का ये जो बिल पास हुआ है, इसके बाद जो एरा है वो बदल जाएगा। बिकॉज आज आपको पता है विमेन हर फील्ड में आउटशाइन कर रही है मेन को, एंड आई होप कि पॉलिटिक्स भी एक ऐसी फील्ड होगी जहां पे विमेन अपना जो कैलिबर है, अपना पोटेंशियल दिखाएगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।